नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, तह दिल से अपनाओ खुले आसमां को। पर ना छोड़ो धरती के प्यार को, हिंदी है मात्र तुल्य हमारी, इस पर न्योछावर करो जिंदगी सारी। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से होती है, और पूरे विश्व में हर देश की एक अपनी भाषा और संस्कृति है। हमें दूसरों की भाषा सीखने का मौका मिले तो ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की भाषा के चलते अपनी मातृभाषा को छोड़ना पड़े तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है। तो ऐसे में आज हम बात करते हैं अपने देश भारत की राजभाषा हिंदी के बारे में, जो हमारी मातृभाषा भी है और हमें इसे बोलने में फक्र महसूस होना चाहिए। हिंदी दिवस उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बनी। यह वही भाषा है जिसे स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय पहचान के रूप में अपनाया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा हासिल हुआ। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, ये सुव्यवस्थित और सरल भाषा है। संस्कृत हिंदी की जननी है और देवनागरी इसकी लिपि है। राष्ट्रभाषा एक देश की पहचान वो उसका सम्मान होती है। इसी के द्वारा देश की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सकता है और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। संस्कार से सजी धजी है, सिर पर न्यारी बिंदी है, इससे प्यारी नहीं कोई भाषा, सबसे प्यारी हिंदी है। धन्यवाद।